अगर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी किसी अधिकारी ने वीडियो देख लिया तो आप तो जेल चले जाएंगे, कार्रवाई हो। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं आते यहाँ पे? अच्छा, जंगल है इस वजह से नहीं आते होंगे। और आप धो देते हो नाले के पानी से, इसीलिए। अगर आप भी खाने में मूली का सलाद लेना पसंद करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए और इस खबर को जरा गौर से देखिए। अभी तक आपने सब्जी के ऊपर थूकने या फिर रोटी पर थूकने जैसे वीडियो देखे होंगे, मगर इस बार उत्तर प्रदेश के आगरा से एक सब्जी विक्रेता का गंदे नाले में मूली धोने का वीडियो सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया है। ये वायरल वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। आगरा फिरोजाबाद हाईवे के पास एक नाला बह रहा है और इस नाले से इतनी बदबू आती है कि यहाँ रुक पाना मुश्किल है। और इसी नाले में शहादरा का सब्जी बेचने वाला बुजुर्ग मूली को नाले में धोकर बाजार में बेचने ले जाता है। बताया जा रहा है कि सब्जी बेचने वाले नाले के पास से खेतों में मूली लेकर आया था। मूली में मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे में मिट्टी साफ करने के लिए उसने मूलियों को नाले के गंदे पानी में ही धोना शुरू कर दिया। नाले के किनारे आ रहे लोगों ने व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखा तो उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन वह शख्स तो उनकी बातों को अनसुना करके गंदे पानी से लगातार मूलियों को धोता रहा। इतने में वहां पर एक युवक ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स सब्जी धोने वाले से पूछता है कि यह वीडियो को कोई अधिकारी देख लेगा तो कार्यवाही हो जाएगी। इस पर उसने कहा कि यहां पर कोई नहीं आता। हालांकि बाद में वह शख्स कहता है कि मूली को घर ले जाकर वह इनको साफ पानी से धोएगा। साफ पानी से धोने पर मूली साफ नहीं होती, इसलिए पहले नाली के पानी से धोते हैं और बाद में साफ पानी से।